students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study stand alone MCQs from board examination papers 2024. बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के पेपर्स के लिए एग्जाम्स के लिए ये स्टैंड अलोन एमसीक्यूज हैं। स्टैंड अलोन एमसीक्यूज की ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो हम स्टडी के लिए अपलोड कर चुके हैं। स्टैंड अलोन एमसीक्यूज का अर्थ होता है कि वीडियो के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग टॉपिक पर एक या 2 एमसीक्यूज हों, ऐसे वीडियोस को स्टैंड अलोन एमसीक्यूज कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से किसी एक पॉइंट पर एक चैप्टर पर आधारित नहीं होती है। तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प, टू आंसर उत्तर देने के लिए द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस न केवल यूपी बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम के लिए हाई स्कूल के लिए हैं, बल्कि 9th क्लास के लिए भी हैं। दोनों का ग्रामर का सिलेबस एक जैसा ही होता है, इसलिए ये हाई स्कूल के साथ साथ 9th क्लास के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, The boy helped the blind man. लड़के ने अंधे व्यक्ति की सहायता की। Identify the adjective. इस sentence में हमें adjective को, विशेषण को identify, ढूंढना है, पहचानना है। तो देखते हैं पहला option किस चीज का है। A, the, ये article होता है। बी, हेल्प्ड, सहायता की, ये वर्ब है। सी, ब्लाइंड, अंधा, ये एडजेक्टिव होता है। डी, बॉय, ये कॉमन नाउन है। तो स्टूडेंट्स, इनमें जो एडजेक्टिव है हम देखते हैं, दी बॉय हेल्प्ड दी ब्लाइंड मैन, तो जो ब्लाइंड आ रहा है ये नाउन से पहले आ रहा है। जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले, कॉमन नाउन से पहले होते हैं, या फिर प्रेडिकेट पार्ट में भी होते हैं। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर ये है तो प्रेडिकेट पार्ट में ही, लेकिन ये मैन नाउन से पहले आकर के ब्लाइंड मैन की विशेषता बता रहा है। इसका सही ऑप्शन है सी, ब्लाइंड। ब्लाइंड इसमें एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 22, माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन। माई फ्रेंड, मेरा मित्र है, इज है ए हार्ड वर्किंग, परिश्रमी, मैन, व्यक्ति, मेरा दोस्त एक परिश्रमी या मेहनती व्यक्ति है। आइडेंटिफाई दी वर्ब, इसमें वर्ब को पहचानना है, कौन सी वर्ब है। ए, वर्किंग, काम करने वाला, इसका अर्थ हो सकता है, या काम कर रहा भी हो सकता है, दोनों ही अर्थ हैं। इसके प्रयोग पर निर्भर करता है कि इसमें इसका अर्थ काम करने वाला होगा या काम कर रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। बी, इज, है। सी, हार्ड, कठिन या कठोर, ये एडजेक्टिव है। डी, मैन, मनुष्य, ये नाउन है और कॉमन नाउन है। तो इसमें जो वर्ब है
देखिए माई फ्रेंड आ रहा है और माई फ्रेंड ये सब्जेक्ट के रूप में है, और इसके बाद जो आ रहा है इज, ये वर्ब है और ये ऑप्शन बी में आ रही है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, इज इसमें वर्ब है। ट्वेंटी थ्री, द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड इज, सक्सीड की हमें इसमें से चार ऑप्शंस में से नाउन ढूंढना है। नाउन कौन सा है सक्सीड का? सक्सीड मीन्स होता है सफल होना, सफलता प्राप्त करना, ये वर्ब है सक्सीड। इसका हमें नाउन ढूंढना है, इन चार विकल्प में से कौन सा है। ए सक्सेसफुल, सफल, ये इसका एडजेक्टिव है सक्सीड का। बी सक्सीडिंग, सफल हो रहा, ये सक्सीड की आईएनजी फॉर्म है। सी सक्सेस, सफलता, ये सक्सीड का नाउन है। डी सक्सेसफुली, सफलता पूर्वक, ये सक्सीड का एडवर्ब है। तो स्टूडेंट्स, हमें किसी भी फैमिली के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए। जैसे सक्सीड है, सक्सीड में सफल होना या सफलता प्राप्त करना का ये एडजेक्टिव है, ये आईएनजी फॉर्म है, ये नाउन है और ये एडवर्ब है। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे बनवा रहा है नाउन, तो नाउन के लिए इसमें सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए सही प्रीपोजिशन का चुनाव कीजिए। इट हैज बीन रेनिंग डॉट डॉट मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है या बारिश होती रही है मॉर्निंग प्रातःकाल से। जब से आ रहा है और दूसरा देखते हैं कि यहाँ पर हैज बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो हैज बीन के बाद आईएनजी फॉर्म जब आती है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया होता है, निश्चित समय के लिए सिंस आता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो यहाँ पर मॉर्निंग आया हुआ है, ए फ्रॉम से के लिए फ्रॉम आएगा और फ्रॉम का हिंदी मीनिंग से होता है। बी फॉर, वैसे फॉर का मीनिंग के लिए होता है, अलग अलग जगह पर प्रयोग होने पर इसका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन जब समय के लिए आता है तो इसका अर्थ भी से होता है। सी बाय, द्वारा। डी सिंस, सिंस का समय के लिए आता है, निश्चित समय के लिए, तो इसका अर्थ से होता है। तो मॉर्निंग हमारा निश्चित समय है और निश्चित समय के लिए सिंस आता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा। ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, इस सेंटेंस को हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ए द बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते रहे हैं। इसमें हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो ये सेंटेंस हमारा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है गाइज। बी द बॉयज प्ले क्रिकेट,
यहाँ बॉयज के साथ में ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, किसी भी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सी द बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। यहाँ पर हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, जब हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। डी द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल चुके थे। तो स्टूडेंट्स इसमें हैड आ रहा है और हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होता है। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार सही ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। सही ऑप्शन डी होगा। नंबर 26, ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। अयोध्या में एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है या बनाया जा रहा है। ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस हमारा, ये इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस में है। तो हमें ढूंढना है आइडेंटिफाई दी एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव को ढूंढना है, उसे पहचानना है। चार विकल्प में देखते हैं कहाँ पर एडजेक्टिव आया हुआ है। ए वेरी बहुत, ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। बी टेम्पल मंदिर, ये कॉमन नाउन है। सी ब्यूटीफुल सुंदर, ये एडजेक्टिव है। डी इज बीइंग बिल्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस की वर्ब की फॉर्म है। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव सामान्य रूप से कॉमन नाउन के पहले आता है यदि सब्जेक्ट पार्ट में होता है। वैसे तो प्रेडिकेट पार्ट में भी कॉमन नाउन से पहले हो सकता है, ठीक है, ये तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। लेकिन टेम्पल से पहले यहाँ एक शब्द आ रहा है ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव है, और टेम्पल नाउन से पहले आ रहा है जो कॉमन नाउन है टेम्पल, इसलिए इसका सही विकल्प होगा सी ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 27, द स्काई ग्रू डार्क, आकाश में अंधेरा हो गया। आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें हमें वर्ब को ढूंढना है, वर्ब को पहचानना है नीचे दिए हुए चार ऑप्शंस में से। ए डार्क, अंधकार या अंधेरा। बी स्काई, आकाश, ये कॉमन नाउन है। सी दी, ये आर्टिकल है डेफिनेट। डी गिरु, गिरु का मीनिंग यहाँ पर हो गया या बढ़ गया, अंधेरा बढ़ गया। तो और इसमें जो गिरु है ये वर्ब है, ठीक है स्टूडेंट्स, और गिरु वर्ब डी ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ट्वेंटी 28, मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस। मिस्टर शर्मा ने इस घर को लिया है या मिस्टर शर्मा इस घर के स्वामी हैं, ठीक है, या
ये घर मिस्टर शर्मा का है, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। चेंज ओन्स इंटू अ नाउन, इस ओन्स वर्ब को नाउन में चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए ओन्ड, ये ओन की सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी है। बी ओनर, ओनर का मीनिंग होता है मालिक, ये नाउन है। सी ओनिंग, ये ओन की आईएनजी फॉर्म है। डी अनओन, ये ओन का अपोजिट है। तो हमें नाउन को ढूंढना है और नाउन ओन का होता है ओनर, और ओनर आ रहा है बी ऑप्शन में, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, ओन का नाउन ओनर होता है। ओन मीन्स रखने वाला और ओनर, सॉरी ओन्स रखता है और ओनर रखने वाला, इस प्रकार से इसका मीनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 29, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिल इन भरिए द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन को, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नांकित वाक्य में। निम्नांकित वाक्य में सही प्रीपोजिशन को भरिए। माय शूज आर मेड डॉट डॉट लेदर, माय शूज, मेरे शूज आर मेड बने हैं लेदर, चमड़े के। तो इसमें हमें प्रीपोजिशन भरनी है। मेरे जूते चमड़े से बने हैं, से, ए फ्रॉम का मीनिंग से होता है। अलग अलग स्थान पर वर्ब के अनुसार इसका अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। बाई द्वारा, सी ऑफ, ऑफ का मीनिंग भी वर्ब के अनुसार अलग अलग होता है। का के की भी इसका अर्थ होता है, से भी होता है। डी ऑन, पर, इसका अर्थ पर के अर्थ में आता है ऑन का। तो मेरे जूते लेदर से बने हैं, चमड़े से बने हैं, तो फ्रॉम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा। इसका सही ऑप्शन, सही प्रीपोजिशन होगी ऑफ, जो सी में रखी हुई है। अब क्यों है, हम आपको ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जब किसी वस्तु का निर्माण, जब किसी वस्तु के निर्माण में भौतिक परिवर्तन होता है तो प्रीपोजिशन ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब किसी वस्तु के निर्माण में रासायनिक परिवर्तन होता है तो फिर फ्रॉम का आता है। ठीक है, तो फिर फ्रॉम का आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन हो रहा है, चमड़े से बनाया जा रहा है, तो भौतिक परिवर्तन में मेड के बाद ऑफ ही आएगा। सही ऑप्शन इसका ऑफ है। क्वेश्चन नंबर 30, इट इज रेनिंग हैवीली, भारी बारिश हो रही है। चेंज इन टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। ये वाक्य हमारा इज के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है, ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और इसे चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है। ए, इट वॉज रेनिंग हैवीली, जोरों से बारिश हो रही है। यहाँ वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो ये सेंटेंस हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है। बी, इट रेन्ड हैवीली, भारी बारिश हुई। यहाँ पर रेन्ड सेकेंड फॉर्म है जो पास्ट नेम टेंस में आती है, यह ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। सी, इट हैज बीन रेनिंग हैवीली, जोरों से बारिश होती रही है, भारी बारिश होती रही है। यहाँ पर हैज बीन आया हुआ है
और हैज बीन के बाद रेनिंग आईएनजी फॉर्म आ रही है, जैसे है पर प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज बीन हो गया और कंटिन्यूस के लिए ये आईएनजी फॉर्म हो गई है। तो इसका ये जो ये पूछ रहा है वही चीज यहाँ पर आ रही है, सही ऑप्शन है। लेकिन इससे आगे चलते हैं, डी इट विल रेन हैविली, यहाँ विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है और विल सर के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो होता है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। इसमें हैज बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है स्टूडेंट्स, तो ये ऑप्शन ही हमारा सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, यदि आप वास्तव में अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, दोस्ती निभाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उनको शेयर कीजिए, उन्हें बताइए ताकि वो भी आपकी तरह इसी प्रकार से अपनी स्टडी कर सकें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।